Hello dear Vidya, dear, dear students. we already discussed rules of least pendency in earlier lecture. Today we, dis we discuss again rule of least pendency and its essential elements, essential factors. How can we enforce to it effectively? विद्यार्थियों तो से पूर्व हमने लंबितवाद के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ वेचना की थी आज हम अगेन उसको कंटिन्यू करते हुए और जानना चाहेंगे कि लंबितवाद सिद्धांत का आधार या उसका उद्देश्य क्या है क्यों ये हमारे लिए जानना आवश्यक है यदि आपने सुना है इससे पहले हमने देखा था कि लंबितवाद का सिद्धांत इसका तात्पर्य ये हुआ कि संपत्ति अंतरणकर्ता अंतरिति के मध्य या दो पक्षकारों के मध्य किसी अचल संपत्ति से संबंधित उनके हक या अधिकार से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है यदि पक्षकार दोनों पक्षकारों के बीच संपत्ति से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं होना चाहिए यदि संपत्ति का मंत्रण अंतरण करते हैं तो डेफिनेटली एक नए विवाद को उत्पन्न जन्म देगी उत्पन्न करेगी यही कारण है कि धारा बावन में वर्णित लंबित वाद निम्न उद्देश्य परिभाषित करता है कि धारा बावन में लंबित वाद का सिद्धांत क्यों स्थापित किया इसके पीछे निम्न कारण बताए गए हैं कि यदि किसी अचल संपत्ति का वाद न्यायालय में विचाराधीन है या जिन तथ्यों के आधार पर पक्षकारों के अधिकार या हक उस संपत्ति के संदर्भ में निर्धारित होना है और जब तक उनके हक या अधिकार निर्धारित नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे संपत्ति ऐसे विवाद में नए तथ्यों का समावेश नहीं होना चाहिए और यदि कानून में इस प्रकार की संपत्ति को बेचान करने अंतरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो वास्तविक विवाद का जो नेचर है वो बदल जाएगा और एक नए तथ्य नई का समावेश उसमें सम्मिलित होने के कारण से न्यायालय के समक्ष भी कठिन हो जाएगा कि वो किस प्रकार से ऐसी संपत्ति के संदर्भ में अधिकार का या उसके स्वामित्व का निर्णय करें इस कारण से धारा बावन में यही बताया गया है कि जब तक लंग, वाद लंबित रहता है तब तक ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं होना चाहिए उसमें किसी नए तथ्य का समावेश नहीं होना चाहिए इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वादग्रस्त संपत्ति अथवा भूमि की वाद निर्णय तक यदि हमने स्थिति नहीं बनाई तो कोई भी व्यक्ति उसको खुर्द बुर्द कर देगा या निर्णय होने से पूर्व ही वह संपत्ति नष्ट हो जाएगी या कहीं न कहीं प्रकार उसका सेब बदल जाएगा तो न्यायालय की महत्ता या उसकी अधिकारता का महत्व ही खत्म हो जाएगा अर्थात न्यायालय का निर्णय देना न देना उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा इस कारण से ये कहा गया है कि जब तक उसके वास्तविक स्वामी स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो जाता कोई भी व्यक्ति या उस विवाद का जो पक्षकार है उसको इस तरह की अनुमति नहीं है कि वो संपत्ति का अंतरण करके न्यायालय के उद्देश्य को ही विफल कर दे कानून के कानून का उद्देश्य को ही विफल कर दे और यही कारण है न्यायालय ने कहा है कानून में वर्णित किया गया है कि संपत्ति को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए थर्ड इसका उद्देश्य है यदि कानून इस प्रकार के संपत्ति को परमिट करता है तो जो जो दो जो विवाद है वो दो पक्षकारों के बीच ऑलरेडी न्यायालय में पेंडिंग है अब दो पक्षकारों की जगह दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रारंभ हो जाएगा अर्थात अब तक वादी और प्रतिवादी जो पक्षकार थे उनके अलावा अन्य थर्ड पार्टी बीच भी उसमें एक मुकदमे का पक्षकार बनते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे एक नई कहानी चालू होने के कारण से कभी भी इस प्रकार का निर्णय तक पहुंचना मुश्किल होगा इस कारण से वाद बाहुल्यता को रोकना न्यायिक निर्णयों को मान्यता देना इसका मतलब कि यदि हम वादों की संख्या को रोकना चाहते हैं न्यायालय का सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं निश्चित तौर पर लंबित वाद के दौरान ऐसी संपत्ति को अंतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसको हम एक एग्जाम्पल एक के माध्यम से और भी आसानी से समझ सकते हैं अ तथा ब के मध्य संपत्ति एक्स के स्वामित्व के संदर्भ में सक्षम न्यायालय के समक्ष एक विवाद विचाराधीन है। इसी बीच अथवा एक्स संपत्ति को स के पक्ष में अंतरित कर देता है तो अ और बी के बीच जो विवाद है वह किसी अन्य व्यक्ति के मध्य ट्रांसफर हो जाता है यदि स के पक्ष में अंतरण कर दिया गया है तो यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न होगा कि जो अंतरण करता है यदि वो मुकदमा जी जाता है तब तो अंतरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन यदि वो मुकदमा हार जाता है तो डेफिनेटली अंतरण शून्य हो जाएगा जब अंतरण शून्य हो जाएगा तो उसका प्रभाव अंतरिति के हितों पर भी पड़ेगा और जब अंतरिति के हितों पर पड़ेगा तो स्वाभाविक नई वाद नया वाद का जन्म होगा और कानूनी पेचीदगी होने कारण न्यायालयों में संख्या बढ़ती चली जाएगी इसको हम एक एग्जाम्पल बीवी जुबीदा खातून बनाम हुसैन साहब बहुत ही निर्णायक केस रहा है इस केस को यदि हम समझें तो जो वाद के जो दो पक्षकार हैं एक बंधक के मोचन के संदर्भ में दूसरा संविदा के विदृष्ट परिपालन के संबंध न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे वाद के दौरान अंतरिति ने अंतरिति ने विवादित संपत्ति बिना न्यायालय की इजाजत के क्रय कर ली अंतरण सद्भावना पूर्वक नहीं था सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में अंतरिति द्वारा वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया इस प्रकार से यदि हम देखें तो लंबित वाद का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इसके आवश्यक तत्वों का भी वर्णन किया गया है जैसे